रहा हूँ। परेशानी यही है कि सेशन लेट चलता है और जो भी कंपटीशन वगैरह है उसमें तो टाइमली सब सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, और हम एक छोटे गरीब परिवार से हैं जो हमको सब चीज़ देखना पड़ता है, तो यही कारण है जो हम लोग ग्रेजुएशन छोड़ दिए हैं। पार्ट टू तक कर फिर नहीं कर पाए, आगे नहीं कर पाए। कब लिए थे ग्रेजुएशन में एडमिशन? 2015। अभी तक कम्प्लीट नहीं, अभी तक कम्प्लीट नहीं कर, सेशन लेट के कारण आगे छोड़ ही दिए, उसके बाद फिर से करना पड़ता। अब तो चेंज हो गया है, फिर 5 साल लगेगा, फिर से 5 साल के बाद अब चेंज हो गया है, फिर से री एडमिशन करवाना होगा पार्ट वन में। पढ़ाई ही मतलब छोड़ दिया? हाँ, पढ़ाई छोड़ी। किस में एडमिशन लिए थे, किस सब्जेक्ट? हिस्ट्री ऑनर्स था, श्याम नंदन सहाय कॉलेज में एडमिशन लिए थे। बिहार यूनिवर्सिटी से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नन्हे कुमार हुआ। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें मेरे पहला मतलब पेपर का रिजल्ट पेंडिंग ही रहा, और जब सेकंड पार्ट के दिए तो सेकंड पार्ट में लगभग सभी पेपर का रिजल्ट फंसा ही हुआ है। हर दिन ये मतलब हर दिन यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन साल भर से चक्कर लगाते आ रहे हैं, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम दिए थे, अब कंपटीशन की तैयारी तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब में हम लोग को काम करना पड़ रहा है। अब इससे हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, अब इसका कुछ समाधान निकाला जाए, नहीं तो लास्ट में हम लोग को क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसके लिए सोचना पड़ेगा। कितना साल लग गया आपको परेशानी? लगभग 4 साल लग गया। और अभी तक क्लियर नहीं? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं। किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तक क्या नाम? अनिमेश कुमार। क्या